आप सभी दोस्तों को राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी के पूजन के विशेष दिनों का पर्व है श्री गणेश चतुर्थी। ये उत्सव इस साल 10 सितंबर से शुरू हो रहा है। श्री गणेश जी के आते ही मानो हमारे घर में खुशियां भरने लग जाती हैं। गाना बजाना एवं उत्सव मनाने शुरू हो जाते हैं। इस दिन भक्तगण अपने अपने घरों में, ऑफिस में या सड़क पार, जिस भक्त को जहाँ सुविधा उपलब्ध हो वहीं विधि विधान से भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करते हैं। आने वाले 10 दिन तक गणपति बप्पा का पूजन और सेवा की जाती है। भगवान श्री गणेश जी के पूजन के विशेष दिनों का पर्व एवं गणेश उत्सव का इस साल 10 सितंबर से शुरू हो रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। गणेश भक्त इस दिन गणपति बप्पा की मूर्तियां घरों व पंडालों में स्थापित करते हैं। आने वाले 10 दिन तक गणपति बप्पा का पूजन और सेवा की जाती है। परंपराओं के अनुसार अनंत चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा को पवित्र नदियों या जलाशय में विसर्जित किया जाता है। गणेश उत्सव की शुरुआत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन से उत्सव की शुरुआत होती है। इस दिन भक्तगण विधि विधान से भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व कब है? 10 सितंबर के दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। चतुर्थी तिथि 10 सितंबर को दिन में 12:18 से प्रारंभ होकर रात्रि 10:58 तक रहेगी। प्रतिमा स्थापना चतुर्थी तिथि में पूरे दिन की जा सकती है, लेकिन गणेश प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें कि प्रतिमा मिट्टी की बनी हो। ध्यान देने वाली बात, गणेश जी की सूंड सीधे हाथ की तरफ हो और श्री गणेश जी बैठे हुए हो, ऐसी प्रतिमा स्थापित करना शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, और उनके साथ मूसक की सवारी भी जरूर हो। और आप सबको पता है कि भोग सेवा में श्री गणेश जी को केवल लड्डू प्रिय हैं। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा, तुम दोनों में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है, हमें बताइए। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों खड़े हो गए और स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया कि मैं कर सकता हूँ। दोनों ने कहा, पिताजी, मैं इस कार्य को कुशल पूर्वक कर सकता हूँ। लेकिन इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों ऐसा करो कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा और वही योग्य भी होगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिवजी ने श्री गणेश से पूछा, पुत्र, तुम परिक्रमा लगाने क्यों नहीं गए? क्या तुमको देवताओं की मदद करने नहीं जाना? श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा शिव जी ने। तब गणेश जी ने कहा, पिताश्री, आप तो सारी पृथ्वी लोक के कर्ता धर्ता हैं। आपने सारी सृष्टि का भ्रमण कई बार किया है। मैंने आपके और माता पिता के मुख से सुना भी है कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने के लिए आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा उसके तीनों ताप, यानी दैहिक ताप, देविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी।
चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पोत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।